बीते दिनों थाना कमलानगर क्षेत्र अंतर्गत ब्रज बिहार चौकी के चौकी इंचार्ज और तीन सिपाहियों पर थर्ड डिग्री देने के आरोप लगे थे, जिससे पुलिस के अधिकारियों में हड़कंप मच गया था। लेकिन सच दिखाने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आधार पर ही पुलिस होटल व्यवसायी पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। थाना कमलानगर क्षेत्र अंतर्गत ब्रज बिहार चौकी के चौकी इंचार्ज और तीन सिपाहियों पर होटल व्यवसायी ने थर्ड डिग्री देने के आरोप लगाए थे। होटल व्यवसायी अरविंद राणा ने कहा था कि वह अपने घर के बाहर अपने दोस्त के साथ खड़े थे, तभी ब्रज बिहार चौकी इंचार्ज और सिपाही रिंकू, नितेश और पवन गश्त के दौरान आए और व्यवसायी को जबरन उठाकर थाने ले गए और थाने ले जाकर उसे थर्ड डिग्री दी गई, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गए और पुलिस ने उनका मेडिकल तक नहीं कराया। जब पूरे मामले की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को मिली तो विभाग में हड़कंप मच गया। कारण, अभी कुछ दिनों पूर्व ही बाल्मीक समाज के युवक अरुण नरवार की पुलिस रिमांड से पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी, जिससे पूरे शहर में आक्रोश की लहर पनप उठी थी। उसके बाद ब्रज बिहार चौकी इंचार्ज पर मारपीट का आरोप लग गया। मारपीट के आरोप लगाते ही पुलिस के आला अधिकारी पूरे मामले की जांच में जुट गए। जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें होटल व्यवसायी पुलिस के साथ शराब के नशे में अभद्रता कर रहा है और शराब की बोतल भी पुलिस को दिखा रहा है। वीडियो सामने आते ही पुलिस के आला अधिकारी व्यवसायी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में जुट गए हैं। सर घमंड में चला नहीं भूल जाओगे बारे सुनो सर मैंने सुनो उप मुख्यमंत्री से लड़ाई ली तुम्हारे सब्सिडी किताब के सामने अभी 10 मिनट में जवाब देंगे सब सब दे देंगे कोई दिक्कत नहीं सब देंगे सब देख लेंगे सब देख लेंगे उप मुख्यमंत्री से लड़ाई ली उस दिन मैंने तब क्यों नहीं बोले तो कोई बीजेपी वाले होता हमने तब तो सारा पुलिस विभाग ऐसे कहा था बात कर लो जब उस दिन विवाद हुआ था मारे थे मैंने मारे थे जब गीता मैडम ने सब व्यवस्था दी मैंने मारे थे अरविंद हम जानते हैं।